तो भाई साहब सर्दी का हालत ये है कि बता नहीं सकते। और 3 दिन से सूरज नहीं निकला, तो हमने राइडिंग वृंदावन के बाद कहीं नहीं गए। तो आपने वृंदावन का व्लॉग एंजॉय किया होगा, आई होप अच्छा लगा होगा सीरीज। और सर्दी की वजह से हाथ कपकपा गए, सर्दी इतनी भयंकर पड़ रही है। अभी टाइम हो गया, 7 बज गए और हम जा रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह की जयंती है कल। तो मैं सोच रहा हूँ गुरुद्वारे का ब्लॉग नहीं बनाया है, आपको गुरुद्वारे दिखाते हैं। गांधी पार्क में बहुत शानदार गुरुद्वारा है, और मैंने तो कई बार देखा है, बाहर से देखा, अंदर से मैंने नहीं देखा। तो आपको दिखाते हैं, अगर अंदर अलाउ किया, दर्शन करे, दर्शन करके वापस आ जाएंगे। बांके बिहारी जी और गंगा मंदिर, लक्ष्मी मंदिर के दर्शन तो आपने कर रखे होंगे, पर गुरुद्वारे के दर्शन आपको आज कराते हैं। और मिलते हैं सीधे मोटो ब्लॉक में। तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। मैं हूँ आपका दोस्त कपिल सारस्वत, भरतपुर राइडर, और हम जा रहे हैं अभी गुरुद्वारा गांधी पार्क। और कल है गुरु गोविंद सिंह की जयंती, तो देखते हैं कैसी रौनक आ रही है गुरुद्वारे में। मैं कभी गया नहीं अंदर, और टाइम हो गया है, टाइम बताता हूँ, 6:42 हो रहे हैं मेरे बाइक की घड़ी में। तो बस हम पहुँच चुके हैं बस थोड़ी देर में। और भाई साहब ठंड की हालत ऐसी है कि हाथ मैंने ग्लव्स नहीं पहने, तो ठंड की वजह से, गलन की वजह से ऐसी हालत हो रही है, सिकुड़ रहे हैं हाथ। ठुक गई ठुक गई ठुक गई, बढ़ा देखे ना ठुकी, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा, एक तो मुँह पर रोशनी आई और दूसरे ने बढ़ा दी गाड़ी। बस हम पहुंच चुके हैं थोड़ी देर में, तो ये आ गए हम नहर, और नहर में देख लो रंगीन फुब्बारे चल रहे हैं, सजावट अच्छी हो रही है गुरुद्वारे पे। तो लो जी हम आ गए गुरुद्वारा, अरे बहुत अच्छी सजावट हो रही है भाई साहब, बहुत अच्छी। देखते हैं एंट्री मिल जाती, मैं कभी नहीं आया, पहली बार आ रहा हूँ। तो गाड़ी को यहीं खड़ी कर देता हूँ, अंदर खड़ी कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो इधर से रास्ता है, अरे ये रास्ता है गुरुद्वारे का, मैं इधर से आ गया था। तो ये रास्ता जाता है कोतवाली के लिए, और ये है अपना डाकघर जो बड़ा वाला, और ये है दिल्ली दरवाज़ा। तो अपने भरतपुर में 14 दरवाजे हैं ऐसे, और आगे गोर्धन गेट, और दिल्ली दरवाजे के पास है अपना बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा। आप देख सकते हो क्या सजावट है गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर। तो इस बार 5 तारीख को बनाई जा रही है अपने भरतपुर में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, और भीतर चल रहा है भजन कीर्तन, और लंगर की व्यवस्था भी है कल, तो आप आ सकते हो, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। और चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं अगर वीडियो अलाउ किया तो। मेरी ब्लैक पैंथर हो रही, और सजावट देखो आपका दिल खुश हो जाएगा, बहुत सुंदर लाइटिंग। और पास में स्कूल, तो ये गुरु नानक स्कूल हुआ करता था पहले। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसी व्यवस्था है। तो अपनी एंट्री हो गई है यहाँ पे गुरुद्वारे में, तो गांधी पार्क के पास है। और सजावट देखो आपको क्या दिखाता हूँ, सजावट देखिए, कल है गुरु गोविंद सिंह की जयंती, आपको अंदर से दिखाते हैं अलाउ करते हैं। तो ये है सजावट, आप देख सकते हो कल गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, और हमारी ब्लैक पैंथर वो खड़ी। तो ये मेन गेट है, ये मेन गेट है, मैं उधर से आ गया था, उसको लगा दूंगा। तो आप देख सकते हो ये है गुरुद्वारा अपना भरतपुर का, गांधी पार्क का। तो कल 5 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। और अगर जानकारी अंदर मिल जाती है तो मैं आपको पूरी जानकारी दिखवाऊंगा। और चलते हैं अंदर गुरुद्वारे में, पहले मैं अपना हेलमेट ले लेता हूँ, पहले मैं अपना हेलमेट उतार लेता हूँ। तो फ्रंट ये है, और सजावट देखिए आप, तो पूरा सजावट से लबालब हो रहा है। तो जूते उतार दिए अपने, और हेलमेट ये रखा, और बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। और अंदर करते हैं प्रवेश, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु फतेह। चलो, तो ये पैर धोने का, ओहो ठंडे हो गए, इधर से आऊँ अगर हम आना चाहें गुरुद्वारे में, तो कैसे, सेफ्टी के क्या पर्सन रहेंगे वो बताइए, कैसे आना है।
चलो जी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गुरुद्वारे में सभी धर्म के लोग आ सकते हैं निसंकोच। सबसे पहले आपको सिर ढककर के अंदर आना होगा, गुरु साहब के आगे मत्था टेकना होगा। गुरुद्वारे में जाते टाइम आपको बीड़ी सिगरेट वगैरह ये सब चीज़ें आपके पॉकेट में बिल्कुल दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए, है ना जी। और इसके अलावा कोई भी बंदा कभी भी आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जी ये जो हम देख रहे हैं ये निशान साहब कहते हैं इसको। हाँ, ये एक प्रतीक है कि यहाँ पर मतलब गुरुद्वारा है। हमको मतलब लोगों को दूर से पता चल जाता है कि यहाँ पर गुरुद्वारा साहब स्थित है। हाँ जी, कमेटी, हाँ जी बिल्कुल, कमेटी 5 तारीख को प्रकाश पूर्व है। हाँ जी, वैसे तो 7 तारीख का है, मतलब कि पहले तो 29 तारीख का था। अच्छा। पर थोड़ा सा मतलब वो सालाना अलग अलग कैलेंडर्स के हिसाब से अलग अलग है, तो 7 तारीख का है। क्या प्रोग्राम रखा कर यहाँ पे भरतपुर में? प्रकाश पूर्व है, मतलब यहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पूर्व है। कल उसमें कीर्तन समागम है, सुबह क्या टाइम है कल? सुबह यही 10 बजे के आस, 10 से लेकर के लगभग समाप्ति 1-2 बजे तक होती है, उसके बाद लंगर है। हाँ जी, बाहर से कीर्तनी जत्थे आ रहे हैं। अच्छा, बाहर से भी आ रहे हैं? हाँ जी, यहाँ पर हर गुरुपुरब पे बाहर से जत्थे बुलाए जाते हैं, जो कि कमेटी का बहुत बड़ा उपराला है। हाँ जी, तो अभी थोड़ी देर बैठे और थोड़ी देर शांति में, और अभी कीर्तन होगा, शुरू स्टार्ट होगा। तो भैया ने मना कर दिया था, वीडियो अलाउ नहीं है अंदर से। अंदर चल रहा है पाठ। तो ये था हमारे भरतपुर का गुरुद्वारा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अंदर वीडियो अलाउ नहीं है और पाठ चल रहा है और ढोलक चल रही है, अंदर बजा रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया, भैया अंदर नहीं, बाहर से ले लो। और कल है गुरु गोविंद सिंह जयंती, तो उस उपलक्ष्य में भंडारा है और दूध जलेबी का नाश्ता है और पेड़ पकौड़े का नाश्ता है, भैया बता रहे थे। और देखो क्या सजावट हो रही है अपने गुरुद्वारे में। तो अब चलते हैं, निकलते हैं फिर यहाँ से। काफ़ी अच्छा लगा, आके आए करेंगे। तो अब जानकारी हो गई थोड़ी बहुत और आपको दिखाते हैं क्या मस्त लग रही है सजावट। तो निकलते हैं फिर यहाँ से। तो अच्छा लगा, जानकारी भी अच्छी लगी। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे। तो ये अपना भरतपुर का दिल्ली दरवाज़ा, और आगे है गोवर्धन दरवाज़ा, गोवर्धन गेट बोलते हैं जिसको। कोहरा छाने लग गया भाई साहब। ये क्या बना रहे, चिकन वगैरह बना रहे, हम तो खाते नहीं हैं। तो जानकारी बहुत अच्छी लगी, कल है गुरु गोविंद सिंह जयंती, तो आपको वीडियो कल मिलेगा ये। और भैया बता रहे 11 बजे कीर्तन है, बाहर से कीर्तन वाले आ रहे हैं, और माता मनसा देवी का मंदिर, तो आप भी आ सकते हो। और बहुत अच्छी जगह है गुरुद्वारे में। 2 लड़कियाँ आई थी जो कि ब्राह्मण थी, मैंने कि मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो भैया ने एक चीज़ बताई थी, आप बीड़ी गुटखा तंबाकू कुछ लेके नहीं आए, और अंदर आके माथा टेक के वापस जा सकते हैं, सिर ढक के आना पड़ेगा बस खाली, और आके बैठ सकते हो शांति से और फिर शांति से जा सकते हो। वीडियो अलाउ है नहीं अंदर, मोबाइल से आपको फ़ोटो वगैरह शूट करने का। तो एक ये गेट आ गए हम, केतन दरवाज़ा, और एक ये गेट है अपना भरतपुर का, इसको बोलते हैं जो मेन किले में एंट्री गेट है। ये चित्तौड़ से उखाड़ के लाए थे यहाँ के राजा, जो चित्तौड़ से जो उखाड़ के अलाउद्दीन खिजली ले गया था दिल्ली में, तो वहाँ से दिल्ली से लेके आए थे इसको उखाड़ के। दिल्ली जब जीती थी महाराजा सूरजमल ने, तो वहाँ से उसको उखाड़ के लेके आए थे। तो ये दरवाज़ा है। ये लड़का उंगली दिखा रहा है। अभी टाइम हो गया है तो अपना निकलने का। तो है शीशे को तो नहीं, तो हो तो ये आ गए हम बिहारी जी मंदिर। अभी दर्शन करके नहीं जा रहे हम, लेट हो रहे हैं थोड़ा। बहुत शानदार लग रहा है, और आप लाइटिंग देख सकते हो, बहुत तगड़ी लाइटिंग लग रही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट शेयर, और निकलते हैं क्योंकि अब बज गए हैं 7:30 और घर वाले इंतजार करेंगे। और सर्दी की मार तो हालत ख़राब है भाई साहब। और ये अपना किले में से निकलने का
जो कि है चौवड़जा गेट, और इसको एक और गेट के नाम से जानते हैं, मेरे को याद नहीं, लोहिया गेट। हाँ, मैंने जो जब वीडियो बनाए थे 12 गेटों के, तो 2 गेट अंदर पड़ जाते हैं, 14 गेट पड़ते हैं, टोटल 14 गेट होते हैं। तो सिटी के बाहर 12 गेट और 2 अंदर किले में घुसने के। तो आगे चौबड़जा पे, तो ये है चौबड़जा, तो इसलिए वजह से चौबड़जा गेट भी बोलते हैं इसको। सर्दी बताओ, इतनी सर्दी में भी इतनी पब्लिक घूम रही है, पूछो मत। कुछ खाया जाए यार, पेट पूजा की जाए।